गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टर गुड आफ्टरनून आलिए गुड आफ्टरनून यस सबको आवाज आ रही है गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून बच्चों गुड आफ्टरनून बच्चों यस yes. चलो सबको मेरी आवाज आ रही है क्या सब मुझे सुन पा रहे यस 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 क्या सब नाला मुझे सुन पा रहे <laughs> चल नालायक ये पिक्चर नहीं बेटा मतलब वो भी एक कार्टून इमेज है मेरा वो आपके सभी नोट्स के लिए बेटा सभी नोट्स में रहेगा वो मस्त ड्राइंग ड्राइंग अच्छा है ना चलिए शुरू करते हैं चलिए शुरू करते हैं यस चलो बेटा बिकॉज ऑफ एटर साउंड इश्यू देखिए कल का थोड़ा सा का पार्ट इतना अच्छा ऐसा नहीं हो पाया था ओके बिकॉज साउंड इश्यू कल का पार्ट इतना अच्छा नहीं हुआ था तो उसको थोड़ा सा ला, कल का जो लास्ट का पार्टी का फटाफट -फट्ट इसको हम लोग रिवाइज करते हैं ओके सॉरी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते पहले रिकॉर्डिंग यस चलो शुरू करते हैं वेलकम टू द वेलकम टू द डे थ्री ऑफ द कॉर्पोरेट मैनेज अकाउंटिंग ओके आ बेटा मुझे आ थे, आ कल जो पार्ट मैंने पढ़ाया था बेटा मुझे था, कल जो पार्ट ये पढ़ाया था ओके <laughs> ओके बेटा मुझे आते कल जो ट्रांजैक्शन का पार्ट पढ़ाया था वो पार्ट समझा था क्या इशू है ट्रांजेक्शन का पार्ट वो कितना क्लियर है मतलब प्रॉपर सुनाई दिया था नहीं दिया था क्या इशू है तो ये पार्ट रिपीट करूं या फिर मैं आगे बढ़ू

क्या पर्च मान लो बेटा जी मान लो मैंने हजार कैल्सी परचेज किए मेरे कल का एग्जाम्पल कंटिन्यू करो कर मान लो बेटा जी मैंने हजार कैल्सी परचेज किए के, तो कैल्सी परचेज करते हो किसी बंदे से मैं कैल्सी परचेज करूंगा या सो नो ओके तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे हलचल हो रही क्या हाँ सर जी वो पर्सन आपको कैल्सी बेच रहा है और सर आप कैलसी खरीदे हो तो परचेज इज ट्रांजेक्शन कुछ घटना घट गट रही है पे सेल मान लीजिए

मैंने हजार कैल्सी परचेस किए थे बेटा जी मैंने हजार कैल्सी परचेस किए थे उसमें से आठ सौ बेचे हजार कैल्सी परचेस करते वक्त कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है कुछ हलचल हो रही है आठ सौ कैच कैल्सी बेचते वक्त कुछ ट्रांजेक्शन हो रहा है कुछ हलचल हो रही है अब तो इसमें से दो सौ पड़े हुए इसमें से बच्चा लोग दो सौ बेटा कैलसी पड़े हुए क्लोजिंग स्टॉक है हजार कैलसी लिए थे 800 मैंने बेचे और 200 का क्या बचा है क्लोजिंग स्टॉक 200 का क्या बचा है क्लोजिंग स्टॉक तो आप बताइए आप बताइए यहां पे 200 का जब क्लोजिंग स्टॉक बचा है कुछ घटना घट रही है क्लोजिंग स्टॉक में कुछ घटना है क्या अरे खरीदते वक्त कुछ घटना घट रही बेचते वक्त कुछ घटना घट रही है. मैं बोलता हूं दो सौ का क्लोजिंग स्टॉक बचा है ये तो मैं सिर्फ बता रहा हूं ना दिस इसमें एंड रिजल्ट तो क्लोजिंग स्टॉक में कुछ हलचल हो रही है क्या नहीं ये मेरा कौन है रिजल्ट है बात समझना ट्रांजैक्शन का जो एंड रिजल्ट है क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट अ ट्रांजैक्शन क्लोजिंग स्टॉक अपने आप में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है वो दो ट्रांजैक्शन का नेट रिजल्ट है परचेस और सेल ये दो ट्रांजेक्शन नेट क्या है रिजल्ट है और दो ट्रांजेक्शन का जो नेट रिजल्ट है दैट इज कॉल्ड एज इवेंट दैट इज कॉल्ड एज इवेंट तो बच्चा लोग क्लोजिंग स्टॉक ये आपका ट्रांजेक्शन है ये आपका कोने इवेंट है ये बच्चा लोग आपका कोने इवेंट है बात समझ में आ रहा है क्या यस yes no. और नो सर और एग्जाम्पल दीजिए देखो बच्चा लोग ये तो एग्जाम्पल वन था अजुम करो मान लो बेटा मान लो <coughs> मेरा बेटा बिजनेस है मान लो बेटा जो मेरा एक बिजनेस है सॉरी, उस बड़े बिजनेस के लिए क्या होता है मैंने इस साल क्या किया मैंने इस साल बच्चों क्या किया मैंने एक लाख का खर्चा किया मैंने एक लाख की सैलरी पे की एक लाख की सैलरी पे की मैंने वर्कर को एक लाख की सैलरी पे की वर्कर ने कुछ गुड्स बनाए कुछ काम किया कुछ सर्विस दिए इसके ऊपर मुझे इनकम मिला मेरे को एक लाख चालीस हजार का अब बताओ जब मैं वर्कर को सैलरी दे रहा हूं एक लाख का इधर ट्रांजैक्शन दे कौन रहा है मैं किसको दे रहा हूं वर्कर को कुछ हलचल हा सर जी आपके पास से पैसा वर्कर के पास ट्रांसफर है तो सैलरी के टाइम पे एक्सपेंस के टाइम पे पैसा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास ट्रांसफर हो है। तो यहां पे कुछ घटना घट रही तो ये मेरा कौन है ट्रांजेक्शन है ये मेरा बेटा कौन है ट्रांजेक्शन है मैं बोलता इस साल मैंने एक लाख चालीस हजार का इनकम है मैं बोलता इस साल मैंने एक लाख चालीस हजार का इनकम है अब बताइए जब मैं एक लाख चालीस हजार का इनकम कमा रहा हूं कुछ घटना घट रही सर जी इनकम कमाने के लिए मान लीजिए सर आपने किसी बंदे को गुड्स बेचे होंगे मान लीजिए सर इनकम कमाने के लिए आपने किसी बंदे को सर्विस दी होगी सोनो सर जी तो यहां पे, यहाँ पे इनकम कमाने के लिए यहां पे घटना घट गट रही दो पर्सन के बीच में दो एंटिटी के बीच में कुछ ट्रांजैक्शन घट रहा तो है इनकम कमा रहे ये भी कौन है हमारा ट्रांजैक्शन है ये जो इनकम कमा रहे ये, ये भी हमारा कौन है ट्रांजेक्शन है जो इनकम कमा रहे ये भी हमारा कौन है ट्रांजेक्शन है तो बेटा जी समझना तो बेटा जी समझना आप जो इनकम कमा रहे हो बेटा जी समझना आप जो इनकम कमा रहे हो वो भी है। जो खर्चा कर रहे हो वो भी आपका ट्रांजेक्शन yes no? एक लाख चालीस हजार और खर्चा कितना हो गया एक लाख अरे इस साल इनकम कितना कमा है एक लाख चालीस हजार और खर्चा कितना हुआ एक लाख इनकम कितना कमा है बेटा एक लाख चालीस हजार और खर्चा कितना हो गया बेटा एक लाख तो बता बच्चा लोग नेट क्या कमाया प्रॉफिट तो क्या से इस साल हमने चालीस हजार का प्रॉफिट कमाया क्या से इस साल हमने चालीस हजार का प्रॉफिट कमाया ओके <laughs> okay, नालायक इनकम कितना था बच्चा लोग एक लाख का आपने बच्चे इनकम कमाया था एक लाख का खर्च सॉरी इनकम कमाया तो एक लाख चालीस हजार का खर्चा हो गया एक लाख इनकम में से खर्चा काटने के बाद में जो बचेगा वो कोने प्रॉफिट है अब व्हेन आई से दैट मैंने इस साल चालीस हजार का प्रॉफिट कमाया प्रॉफिट इज इट अ ट्रांजैक्शन और इट इज नेट रिजल्ट ऑफ योर ट्रांजैक्शन प्रॉफिट इज नेट रिजल्ट इनकम और एक्सपेंस ये दो ट्रांजेक्शन का नेट रिजल्ट कोने प्रॉफिट है तो प्रॉफिट इज योर इवेंट प्रॉफिट इज योर इवेंट सबको समझाया का नालायक हर रोज जो घटनाएं घटती दे आर कॉल्ड एज ट्रांजेक्शन और उनका जो नेट रिजल्ट है we call it as event. <coughs> सलोनी जी उसको सेविंग बोला सेविंग बोलते से हो बेटा जी राइट ना सलोनी आपको जो नाम देना बेटा बट बिजनेस में बेटा उसको बेटा देखिए बिजनेस में उसे प्रॉफिट बोलते तो बेटा समझ में आ रहा है क्या बिजनेस में वी नेवर यूज अ वर्ड सेविंग बेटा बिजनेस में हमारे इंटेंशन पैसा सेव करने होता है हमारे इंटेंशन क्या होता है प्रॉफिट कमाना होता है ओके okay. तो आम इंसान उसको सेविंग बोलता है बिजनेस उसे क्या बोलता है? बोलता है। okay. अब सवाल यह है, है। अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं इन अकाउंटिंग वी रिकॉर्ड हम अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन या इवेंट हम अकाउंटिंग में क्या रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शन या इवेंट तो नालायक इसका आंसर है इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड बोथ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट बेटा मुझे बताओ जिन्होंने थोड़ा बहुत तो अकाउंट्स पढ़ा होगा अरे नालायक अकाउंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो क्या सर परचेस रिकॉर्ड करते हो क्या हा सर क्या आप लोग सेल रिकॉर्ड करते हो क्या हा सर क्या अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम रिकॉर्ड करते हो क्या हा सर क्या अकाउंट में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हो क्या हा सर मतलब इनकम एक्सपेंस सेल परचेस मतलब आप लोग भाई साहब अकाउंट में ट्रांजैक्शन तो रिकॉर्ड कर रहे हो बड़ बच्चो जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे तो क्या वहां पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो क्या हाथ से लिखते जब आप बैलेंस शीट बनाते हो तो क्या यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक लिखते हो क्या हाथ से लिखते हैं क्या आप लोग जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो क्या उसमें आप लोग प्रॉफिट लिखते हो क्या हाथ से लिखते तो इसका मतलब अकाउंट में हम लोग ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड करते एंड इवेंट भी रिकॉर्ड करते वी रिकॉर्ड बोथ इन द अकाउंट नालायक हम अकाउंट में दोनों रिकॉर्ड करते क्या क्या ट्रांजैक्शन एंड इवेंट दोनों भी हम अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं समझ में आ रहा है क्या यस और नो कोई तकलीफ इसमें अब इसी चीज को मैं अगले सेकंड करने जा रहा हूं मैंने क्या बोला हम अकाउंट्स में क्या रिकॉर्ड करते दोनों एक शब्द यूज किया रिकॉर्ड करना बेटा भी जी मैंने शब्द मैंने यूज किया क्या रिकॉर्ड करना बिना मुझे अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट में ट्र... इवेंट रिकॉर्ड करते मतलब क्या करते समझना अकाउंट में ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना इस घटना को हम बोलते जर्नलाइज करना रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज जर्नलाइज जर्नलाइजिंग अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना ओके okay. अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना इसे हम लोग बोलते जर्नलाइज करना

इनकम ये सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने एक कागज पे लिखने तो उससे हम क्या बोलते हैं बच्चा लोग जर्नलाइज करना बोलते हैं जर्नलाइज करना क्या होता है बेटा जी अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना मतलब जर्नलाइज करना उसके लिए हम एक बुक बनाते क्या बोलते बच्चों बुक बनाते तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करने के लिए वी मेंटेन वन बुक जिसका नाम क्या होता है जर्नल बुक क्या बोलते बच्चों जर्नल बुक कैसे बच्चों अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं मैं डेली जो भी आपको पढ़ाता रहूंगा उसको लिखने के लिए आप एक बुक मेंटेन करोगे जिसका नाम आपका क्या होता है नोटबुक कैसा नो मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको प्रिंटेड उसको प्रिंटेड फॉर्म में देने के लिए समझा क्या बेटा देखो दो लोग काम कर रहे हैं आप लिख के ले रहे हो नोट कर रहे हो तो आपके बुक का नाम क्या है नोटबुक मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में दे रहा हूं तो मेरा नोट्स क्या होगा मेरा नाम क्या होगा नोट्स या फिर टेक्स्ट बुक बात समझा बेटा जी तो ऐसा हर बंदा अपने अपने कुछ बुक्स मेंटेन करता है वैसे अकाउंट में जब अकाउंटेंट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है अकाउंट रिकॉर्ड करने के लिए एक बुक बनाता है जिसका नाम होता है जर्नल बुक क्या होता है उसको। तो ये तो क्लियर है जर्नल में वे रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन बट भाई साहब अकाउंट से बोलता है जर्नल में अगर आपको ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है अगर आपको जर्नल में आपको ड्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है तो आपको फॉलो करना पड़ेगा डबल एंट्री सिस्टम जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने के लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा डबल एंट्री सिस्टम सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है भाई साहब सिंपल भाषा में बोलूंगा न्यूटन ने बोला था एवरी एक्शन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन न्यूटन क्या बोलता है जब कोई भी एक्शन होती है ना उसके अपोजिट कोई ना कोई तो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते वैसे अकाउंट में ऐसा कहा जाता है भाई साहब एवरी ट्रांजेक्शन टू एस्पेक्ट जैसे हर क्विन के बेटा दो पहलू होते तो हर ट्रांजेक्शन के दो पहलू होते इसका मतलब क्या बच्चों मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं इसके दो पहलु राज सर पढ़ा रहे ये पहला पहलू है और बच्चे पढ़ रहे ये दूसरा पहलू है क्या सोनू अगर आपने कल पांच रुपए का कैलसी परचेस किया होगा अगर कल बेटा जो आपने पांच रुपए का कैलसी परचेस किया होगा इसमें अगेन दो पहलू है आप क्या बोलोगे मैंने पांच का कैलसी परचेस किया और दुकानदार क्या बोलेगा मैंने पांच का कैलसी सेल किया समझा क्या तो हर चीज के दो एंगल है दो पार्टी होते बेटा जी दो पार्टी होते तो दो पार्टी का देखने का नजर अलग होता है एक बोलेगा मैंने कैलसी बाय किया दूसरा बोलेगा मैंने कैलसी सेल किया वैसे अकाउंट बोलता है कि यार अकाउंट क्या बोलता है एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू आसपेड जिन्हें हम बोलते डबल एंट्री सिस्टम तो इसके अनुसार हर चीज के दो एसपेड होते समझना ये जर्नल क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है ओके okay, बेटा ये सब समझने के लिए ये सब समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑफ ऑफ टाइप्स अकाउंट्स आप में से बहुत सारे बच्चों ने ये सब इलेवन ट्वेल्थ में पढ़ा होगा बट ट्रस्ट में ट्रस्ट में नालायक इलेवन ट्वेल्थ में आप लोग सिर्फ रट्टा मार के पढ़ते हो so, नहीं सब बहुत भारी पढ़ा था आपका भारी मुझे पता है आपको कुछ डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं बट ट्रस्ट में बेटा जी जब धीरे धीरे अकाउंट का बेस सब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कितनी बातें हम हम में लोग अज्यूम करते थे पर यहां पे बेटा जी अपने को भी सबके लॉजिक के डेफ में जाना है ओके तो इसके लिए मैं मानता हूं आपका बड़ा बेस अगर अच्छा होगा इट इज वेल एंड गुड थिंग बट यहां पे बस मैं इतना बोलना चाहूंगा बेटा जी बेस को और बेहतर कीजिए यस बेहतर बेटा कीजिए ओके बस यहां पे और कॉन्फिडेंट मत होना मैं इतना बोलना चाहूंगा बेटा okay, जी जो ओके जोश में आंसर मत देना अभी मुझे क्वेश्चन पूछूंगा इसका बहुत स्मार्ट आंसर देना आपने को चलेगा यस 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 चलिए अब देखो मैं बताने जा रहा हूं अब ये जर्नल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कौन बताएगा मेरे को कौन बताएगा मेरे को अकाउंट के टाइप कितने होते हैं अकाउंट के टाइप कितने होते हैं अकाउंट का टाइप कितने होते हैं क्या बातें बच्चों ने बताया क्या बताने में शुरू किया सर तीन अकाउंट होते हैं कौन से होते हैं पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट नालायक गलत है अकाउंट्स के टाइप तीन होते या फिर पांच होते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी आइदर थ्री और फाइव इट डिपेंड्स अपॉन विच अप्रोच यू आर फॉलोइंग जो बच्चे तीन टाइप बोल रहे हो आप फॉलो कर रहे हो ट्रेडिशनल अप्रोच ट्रेडिशनल मतलब पुराना अप्रोच आप फॉलो कर रहे हो बट अकाउंट्स के लिए दर इज वन मोर अप्रोच विच इज कॉल्ड एज मॉडर्न अप्रोच एक अप्रोच हमको दिया था ब्रिटिशों ने और एक अप्रोच हमें दिया अमेरिकन लोगों ने ओके, okay, ये क्या होता है अमेरिकन अप्रोच क्या होता है अमेरिकन अप्रोच बेटा क्या होता है ब्रिटिश अप्रोच बेटा क्या, बेटा, बेटा बेटा. Okay, बेटा. और क्या? मैं सब उस पर बेटा, जी, ना? बस अभी हम समझ के दो अप्रोच के नाम क्या देंगे हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच और हम क्या बोलेंगे मॉडर्न अप्रोच अकाउंट के दो अप्रोच है ट्रेडिशनल और मॉडर्न भाई साहब अप्रोच के अनुसार अकाउंट्स के तीन टाइप होते है. सुनते जाना है जिसको पहले पता है नहीं पता कोई दिक्कत नहीं एज पर ट्रेडिशनल पहला होता है, होता है है पर्सनल अकाउंट अकाउंट दूसरा रियल तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट ये बेटा किसमें आएगा ट्रेडिशनल हम सबसे पहले बेटा ट्रेडिशनल की चर्चा करेंगे और फिर हम जाएंगे मॉडर्न अप्रोच के पास जाते ओके अच्छे से ट्रेडिशनल अप्रोच के अनुसार तीन टाइप के अकाउंट होते हैं। कौन से बच्चा लोग होते हैं पर्सनल रियल और नॉमिनल बेसिक बोलूंगा जिन अकाउंट का संबंध जिन अकाउंट का संबंध किसी इंसान से जो किसी नाम के अकाउंट है वो क्या होता है पर्सनल अकाउंट राम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट बाबू भाई का अकाउंट पर्सनल अकाउंट श्याम का अकाउंट पर्सनल अकाउंट ओके बेटा गीता का अकाउंट पर्सनल अकाउंट जो किसी इंसान का अकाउंट है वो क्या होता है पर्सनल अकाउंट है जो अकाउंट एसिड के संबंधित है जो अकाउंट चीजों के संबंधित है दे आर कॉल्ड एस रियल अकाउंट जैसे बिल्डिंग अकाउंट बिल्डिंग इंसान चीज है मशीन इंसान चीजें तो बिल्डिंग अकाउंट मशीन अकाउंट ये सभी हमारे को ने रियल अकाउंट है और जो अकाउंट इंसान के संबंधित नहीं है एसिड के संबंधित नहीं है पर जिनका संबंध इनकम और एक्सपेंसिव जिनका संबंध इनकम और एक्सपेंसिव जिनका बेटा संबंध इनकम और दे आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट आर कॉल्ड एज नॉमिनल अकाउंट तो भाई साहब अकाउंट्स के तीन टाइप होते कौन से होते पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट कौन से बच्चे होते पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नॉमिल अकाउंट ओके बच्चे चाहो तो अकाउंट्स के बच्चे तीन टाइप होते हैं बोलो कौन से बच्चे होते हैं पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट एंड नॉमिल अकाउंट ओके जो अकाउंट किसी इंसान के संबंध में बेटा वो कौन है पर्सनल अकाउंट है किसी एसेट के बारे में क्या है रियल है और इनकम और एक्सपेंस के लिए क्या नॉमल मतलब है टेंशन मतलब नॉन कॉमर्स वाले डरना मत सुनते बेटा आराम, आराम सुनते जाइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पर्सनल अकाउंट की बेटा क्या पर्सनल अकाउंट में सिर्फ इंसानों की बातें होती है क्या ना बेटा मुझे बताइए आप लॉ में पढ़ते हो कंपनी कंपनी क्या कंपनी पर्सन है क्या बोल या ना जवाब दीजिए हा या ना में कंपनी पर्सन है क्या हा सर कंपनी को इंसान है क्या ना तो कंपनी कौन है आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी को बच्चों आर्टिफिशियल पर्सन है तो इंसान बेटा क्या होता है अरे आप और मैं कौन है हम नेचुरल इंसान है और कंपनी कौन है आर्टिफिशियल पर्सन है कंपनी बच्चों कौन है आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसका मतलब बच्चा लोग पर्सनल अकाउंट के अगेन सब टाइप होते पर्सनल अकाउंट के अगेन तीन सब टाइप होते नेचुरल पर्सन अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट आराम सुनना मैं दोबारा बताऊं चलो बना बच्चों पर्सनल अकाउंट के तीन टाइप होते देर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल कौन से बच्चे होते नेचुरल पर्सन अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और क्या है बच्चों रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बहुत सिंपल है जो इंसान के बच्चे होते जो इंसान के बच्चे होते उनका अकाउंट होता है नेचुरल पर्सन अकाउंट जो कानून के बच्चे होते जिनको जन्म जिनको बर्थ कानून देता है आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट अरे भाई साहब इंसान के बच्चे क्या होते नेचुरल पर्सन अकाउंट कानून के बच्चे क्या होते आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट बेटा मुझे बताइए आप इंसान के बच्चे हो या कानून के बच्चे हो ओके बेटा मुझे है बच्चा लोग ओके बेटा मुझे है बेटा मुझे है क्या बेटा जी मुझे बताइए आप बेटा इंसान के बेटा बच्चे हो या बेटा कानून के बच्चे हो सर इंसान के हर कि नहीं बेटा जी ओके बेटा मुझे बताओ अरे बेटा अभी देखो अगर मैं आपका अकाउंट बच्चे देखो अगर आप में से किसी बच्चे का नाम है क्या नाम है आप लोगों के नाम क्या क्या है ओके मुस्कान जानवी आप देखो बच्चों मुस्कान का अकाउंट मुस्कान इज नेचुरल पर्सन जानवी इज नेचुरल पर्सन जानवी कौन है बेटा नेचुरल पर्सन है ओके राज सर कौन है नेचुरल पर्सन है तो आपका मेरा हमारा सबका कौन कौन है नेचुरल पर्सन है आपका मेरा हमारा सबका कौन क्या है नेचुरल पर्सन है ओके okay, ये बेटा कौन है हमारा नेचुरल पर्सन है ओके okay? और वही देखिए भाई साहब वही देखिए भाई साहब मान लीजिए मान लीजिए आप एक कंपनी रिलायंस कंपनी बेटा बेटा मुझे कहता रिलायंस का अगर कुछ अकाउंट है बेटा मुझे चाहता रिलायंस कंपनी है रिलायंस कंपनी का जन्म इंसान से हुआ था या कानून से हुआ था कोई भी कंपनी कानून की लीगल फॉर्मेलिटी करने के बाद में होने के बाद में कंपनी का बड़ा जन्म होता है बेटा जी नो पार्टनरशिप फर्म का जन्म भी क्या होता है पार्टनरशिप बड़ा फर्म जन्म बेटा क्या होता है कि यहां पे लीगल प्रोजेक्ट करने बाद होता है बेटा समझा है क्या तो जो भी चीज है बेटा जी यहां पे कानून के से जन्म लेती है बेटा वो क्या होता है जिनका लीगल एग्जिस्टेंस है दे आर कॉल्ड एज आर्टिफिशियल किसी भी कंपनी का अकाउंट हो मैं बोलता हूं एबीसी लिमिटेड का अकाउंट एबीसी लिमिटेड आर्टिफिशियल पर्सन है मैं बोलता ए एंड बी पार्टनरशिप फर्म या ए एंड बी सन्स का अकाउंट ए एंड बी सन पार्टनरशिप फर्म है इसका अकाउंट भी क्या होता है ये भी कौन है हमारे आर्टिफिशियल पर्सन है बेटा मुझे बताओ याचडीएफ सी बैंक एच डी एफ सी बैंक इज इट नेचुरल पर्सन ना सर जी ये आर्टिफिशियल पर्सन है तो जिनका जन्म किसी कानून से हुआ है उन सबका बेटा अकाउंट क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है उन सबका अकाउंट क्या होता है आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है और भाई साहब लास्ट में होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ओके okay. अब बच्चे देखे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट को मैं दो मिनट के लिए होल्ड पे रखना चाहूंगा इसके बाद एग्जाम्पल दो मिनट के बाद दूंगा उसके पहले मैं कुछ चीजें बताऊंगा बड़ा और बताऊंगा और थो 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 मैं कंफ्यूज भी करूंगा अब सुनना प्लीज आप प्लीज सुनना मैंने क्या बताया अकाउंट्स के तीन टाइप होते कौन से होते पर्सनल रियल और नॉमिनल एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच पर्सनल अगेन तीन सब टाइप है नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन शर्वरी रुक जाऊंगा जा, जा, जा जा अब बेटा देखिए नेक्स्ट बेटा में अकाउंट बताने जा रहा हूं रियल अकाउंट जिन अकाउंट का संबंध एसेड से दे आर कॉल्ड एस रियल अकाउंट अकाउंट ऑफ एसेड बिल्डिंग अकाउंट मशीन अकाउंट प्लेंट अकाउंट ये सारे बेटा एसेट है उनका अकाउंट क्या होता है रियल अकाउंट पर आप सबको पता है क्या रे एसेड के टाइप क्या होते देर आर टू टाइप्स ऑफ एसेड वन इज कॉल्ड एज टेंजिबल एसेड वन इज कॉल्ड एज टेंजिबल एसेड एंड सेकंड इज कॉल्ड एज इन टीबल एसेड अरे भाई साहब एसेड के दो टाइप होते कौन से होते टेंजिबल एसेड एंड इन टैंजीबल एसेड अरे यार अरे यार अब समझना बेटा जी एसे ऐसे एसेट जिनको छू सकते वो टेंजिबल एसेट है जिनको छू नहीं सकते वो कौन है इंटेंजिबल है क्या आप बिल्डिंग को छू सकते हो क्या हा सर वो टेंजिबल एसेट है क्या मैं इस कैलसी को छू सकता हूं क्या हा सर ये टेंजिबल एसेट है क्या मैं मेरे सामने जो कैमरा उसे छू सकता हूं क्या हा सर जी ये भी टेंजिबल एसेट है जो छू सकते वो कौन है टेंजिबल है और जिनको छू नहीं सकते वो इनटेंजिबल है अब सुनना आप ऐसा रसो से जा रहे हो रो रह जा रहे हो एक आदमी आपको बोलता भाई तेरी क्या औकात औकात है दिखा आप बोलते औका देख क्या बहुत पता है, है वजन है इस एरा में एक आवाज दूंगा ना एक आवाज दूंगा ना सो लोग आएंगे सो एक आवाज दूंगा सो लोग आएंगे पता है क्या तेरे को मैं यहाँ का लीडर हूं बोलते भाई वो क्या बोलता है भाई देख ये फालतू बातें मत बता मुझे बोलते औकात क्या है दिखा औकात क्या है ऐसे कैसे दिखा औकात बोला औकात है तो है भाई मेरी मेरा वर्थ है तो है इज्जत है मेरी अरे दिखाना भी रहे तो बोला तो नहीं दिखा सकता तो बेटा मुझे बताओ आपकी औकात क्या बात करे अच्छा सा शब्द है बेटा जी गुडविल आपका गुडविल कितना है क्या गुडविल बेटा गुडविल आपको दिखाई देता है क्या गुड बेटा जब छू सकते हो ना बेटा वो आपका रेपुटेशन है छोटा एग्जाम्पल जी मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए मान बेटा जी आप बता क्या आप बेटा जी देखिए आपने ना मान लो बेटा आपने अपने गर्लफ्रेंड को आप गर्लफ्रेंड को लेके ना खाना खाने के लिए गए होटल में गर्लफ्रेंड खाना खाने के लिए होटल में गए ओके बेटा जी मस्त पार्टी का मूड है आपका और खाने का एकदम जब खाने के लिए बैठोगे तो ऐसा वेटर आता है बोला सर क्या चाहिए आपको हर दो मिनट में वेटर आपके आ रहा है बोला सर क्या चाहिए आपको मस्त सर्विस है एकदम गर्मा गर्म खाना अच्छा खाना और खाने के बाद में मस्त आपको स्वीट डिश सर्व करता है ओके ओके और जैसे खाना हो जाता है खाना होने के बाद में जैसे मतलब पता है जैसे बिल आता आप बोलते हो वेटर बिल तो वहां का मैनेजर आता है बोलता है कि सर आपसे बिल कैसे लेंगे सर आपसे बिल कैसे लेंगे सर आप तो सर पता है क्या आप तो सर पता है क्या हमारा रेगुलर कस्टमर हो सर आप हमारे मालिक के दोस्तों आप हमारे मालिक के दोस्तों आपसे बिल कैसे लेंगे जैसे बोलता है आपसे बिल कैसे ले

गुडविल है यह आपका क्या Repetition है रेपुटेशन है गुडविल को आप छू नहीं सकते यह आपका कौन है इनटेंजिबल एसेट है ये बेटा कौन है आपका इनटेंजिबल एसेट है तो गुडविल कम छू नहीं सकते गुडविल हमारे कौन है इनटेंजिबल तो जिन एसेट को हम लोग छू सकते हैं वो हमारे कौन है टेंजिबल एसेट है और जिनको हम छू नहीं सकते वो कौन है इनटेंजिबल एसेट है तो नालायक बिल्डिंग मशीन प्लांट, ओके okay. जिनको हम छू सकते ये सारे हमारे कोने ओके okay. ये सारे हमारे कोने टेंजिबल ब्लसेटे ये सारे बेटा हमारे कौन है टेंजिबल बल ओके okay. और बेटा मुझे बताइए और नाला तो मजे ले रहे हो ओके okay. अरे प्रणव 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 सुधरो रे सुधरो, चलो बेटा जी

सिरम बेटा ईश्वर बचा वो है कोरोना का बेटा वैक्सीन बना रहे जैसे कोरोना और कोई नहीं बेचेगा ये हमने उसका क्या लिया पेटेंट लिया तो पेटेंट अगर आपने किसी का बच्चों कॉपी राइट लिया ये सारे बेटा आपके कुने इंटेंशन तो गुडविल पेटन ट्रेडमार्क यस बच्चा लोग ये सारे आपको इन एसेट है एंड ऑल दीज आर द रियल अकाउंट गुडविल अकाउंट क्या है इनटेंजिबल भले वो टेंजिबल हो या इन टीबल इन सभी एसेट का अकाउंट इन सभी एसेट का अकाउंट बच्चों क्या होता है रियल अकाउंट कहलाता है अकाउंट ऑफ ऑल एसेट इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट अकाउंट ऑफ ऑल एसेट इज कॉल्ड एज रियल अकाउंट ओके यस और नो यस 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 तीसरा बेटा हमारा कौन है नॉमिनल अकाउंट तीसरा बच्चों कौन है हमारा नॉमिनल अकाउंट एक बार रिवाइस करते बच्चों एक बार बच्चों <coughs> ओके <laughs> okay, तो बेटा हम कहां कहा बच्चे को okay. जो इंसान के अकाउंट है फिर वो नेचुरल इंसान हो या आर्टिफिशियल इंसान हो उनके पर्सनल अकाउंट जो किसी एसेड का अकाउंट है वो कौन है रियल अकाउंट है ओके और भाई साहब लास्ट में होता है नॉमिनल अकाउंट अकाउंट ऑफ ऑल इनकम कोई भी इनकम हो या कोई भी एक्सपेंस हो, कोई भी प्रॉफिट हो या कोई भी लॉस हो इनका अकाउंट क्या होता है नॉमिनल अकाउंट सैलरी अगर मैं सैलरी पे कर रहा हूं तो सैलरी मेरा कौन है खर्चा है तो भाई साहब सैलरी अकाउंट ये कौन है तो नॉमिनल अकाउंट है ओके okay, बेटा जी अगर मैं इंटरेस्ट पे करता तो इंटरेस्ट मेरा कौन है खर्चा है इंटरेस्ट मेरा कौन है खर्चा है खर्चों का अकाउंट क्या है नॉर्मल अकाउंट है अगर मुझे डिविडेंट मिलता है तो डिविडेंट अगर मेरा इनकम है उसका अकाउंट भी क्या है नॉर्मल अकाउंट है अगर मुझे रेंट मिलता है तो रेंट मेरा कौन है इनकम है उसका अकाउंट भी क्या है नॉमिनल अकाउंट है सारे इनकम और सारे एक्सपेंडिचर उनका अकाउंट क्या होता है नॉमिनल अकाउंट होता है सारे इनकम और सारे एक्सपेंडिचर इनका बच्चा अकाउंट क्या आता है नॉमिनल अकाउंट होता है यस ओन अलाइक सबको झेपा क्या सबको झेपा क्या इशिता जी इशिता जी ओके okay, बेटा इशिता वीरता बेटा हम शेयर्स के ऊपर बात बनाएंगे बेटा उसके ऊपर ध्यान अलग अलग में आपको अलग एस्पेक्ट आएंगे बताऊंगा आपको okay. चलो बेटा जी तो हम लोग बेटा कहाज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स के तीन टाइप कौन से थे पर्सनल रियल और नॉमिनल पर्सनल रियल और नॉमिनल ये अकाउंट्स के तीन टाइप एस पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स के तीन टाइप है ओके <coughs> okay? काम करते मैं कुछ बेटा अकाउंट्स के नाम बोलता हूं आप बताए कौन सा अकाउंट है पर्सन पर्सनल रियल या नॉमिनल? चलो फटाफट बताएंगे मुझे होता राम अकाउंट क्या है? राम अकाउंट पर्सनल सीता अकाउंट पर्सनल फिर मुझे बताओ फर्नीचर अकाउंट फर्नीचर क्या है रियल अकाउंट एसे रियल अकाउंट ओके फिर बेटा मुझे बताओ फिर बेटा मुझे बताइए क्या बोलते हैं इसके लिए कौन सा एग्जाम्पल यार डिस्काउंट डिस्काउंट अगर डिस्काउंट मैंने दिया लॉस से तो लॉस मतलब कौन है नॉर्मल अकाउंट डिस्काउंट दिया तो लॉस है नॉर्मल अकाउंट है ठीक है फिर मुझे बताओ फिर मुझे मुझे है रेंट अकाउंट क्या है पक्का तो फिर मुझे बताओ एबीसी लिमिटेड का अकाउंट अका। फिर बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के अका। धपादव तो तुम कमेंट करो धपाधा एकदम फुल फॉर्म एकदम <Paris> <belum> बोलो भाई साहब आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के बोलो बच्चों आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के अकाउंट आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या है नॉमिल अकाउंट पक्का नालायक श्योरली लॉक कर दू अब नालायक समझना अब नालायक समझना सैलरी अकाउंट सैलरी अकाउंट इज अ अमिल अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ पर्सनल अकाउंट उटस्टैंड सैलरी इज अ पर्सनल अकाउंट सर नहीं समझा सर अभी तो आपने सर बोला सर अभी तो आपने बोला सर सैलरी तो खर्चा होता है सर तो सर फिर सैलरी नॉमिनल होना चाहिए सर सर आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट कैसे क्या हाउ इट इज पर्सनल अकाउंट अब प्लीज फोकस करना प्लीज फोकस करना फोकस करना अच्छे समझता देखो बच्चा अर्जुन करो बड़ा मेरा बिजनेस है बड़ा मेरे बिजनेस में ना चार एम्प्लॉय मेरे बिजनेस में ना चार एम्प्लॉय ओके बड़ा बड़ा जो चार बड़ा एम्प्लॉय ओके okay. पप्पू टप्पू ओके okay. बाबूलाल ओके okay. और बेटा जी बाबूलाल और बेटा जी देखे कौन लेते और श्याम ये चार मेरे पास लोग काम करने के लिए ओके okay बेटा जी पप्पू टप्पू बाबूलाल और श्याम ये चार लोग मेरे पास है

मेरा अकाउंटर बोलता है सर देखिए सर आपने टप्पू को भी सैलरी दिए टप्पू को भी सैलरी दिए है सर की सैलरी दिए सर करता है अपन अपने बुक्स में लिखते हैं सैलरी पेड टू पप्पू दस सैलरी पेड टू टप्पू दस सैलरी पेड टू शाम दस मतलब तो क्या फर्क पड़ता भाई सबके नाम लिखते हैं बेटा क्यों सबके नाम लिखता है तू बता मेरे भाई अगर अपने कंपनी में चार एम्प्लॉय फिर भी ठीक है अब अगर चार सौ एम्प्लॉय होते होंगे तो सबके नाम लिखते बेटा कई के लिए करा सिंपल एक काम करना अपने बुक्स में लिखते वक्त तू क्या लिख सैलरी पेड सैलरी पेड लिख चालीस हजार रुपए

सैलरी लिखने का है तो मैं लिखूंगा कॉमन अमाउंट लिखूंगा, लिखूंगा. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों लेके एक ऑटो वाला है, एक ऑटो वाला प्लीज समझना बेटा तो सैलरी बेटा कौन है बेटा सैलरी बेटा कौन है हमारा एक्सपेंसिव सैलरी हम दे रहे एक्सपेंसिव ओके हमने सैलरी के लिए नाम लिखा नहीं टप्पू पप्पू कोई नाम से मतलब नहीं था हमने सिर्फ लिखा सैलरी कितना चालीस साल तो सैलरी में नाम की जरूरत नहीं थी पे नाम की जरूरत नहीं है वो पर्सनल अकाउंट नहीं है मानते हो बेटा जी सैलरी के लिए नाम की जरूरत नहीं है तो पर्सनल अकाउंट नहीं है तो सैलरी मेरा कौन है नॉमिनल अकाउंट अब देखो बच्चो तो एग्जाम्पल देते बच्चो रिक्शा वाला रिक्शा वाला दिन भर रिक्शा चलाता है और रिक्शा चला के उसे जो फेर मिलता है फेर मतलब उसको जो रेंट मिलता है उसको जो पैसा मिलता है फेर मिलता है उसको कस्टमर से पैसा मिलता है मान लीजिए बेटा पहले बेटा उसके रिक्शा में पहले उसके रिक्शा में पहले उसके रिक्शा में ना एक लड़का बेटा रिक्शा रिक्शा ने उसको छोड़ दिया और जाते वक्त उसने लड़के ने उसको सौ रुपए दे दिए रिक्शा सौ रुपए ले लिया फेर मिल गया सौ रुपए अब नेक्स्ट टाइम क्या होता है उसके रिक्शा में क्या होता है एक सुंदर लड़की बैठती है उस रिक्शा में क्या एक सुंदर लड़की बैठती है ओके okay, लड़की बोलते भैया मुझे थोड़ा सा आगे तो छोड़ देंगे है हाँ, मैडम और बिल होता पचास रूपए जैसे पचास रुपए पे करने जाती है रिक्शा बोलते है, मैडम का नाम तो बताइए ना लड़की बोलते क्या करना है तेरे को नाम जान के नालायक नाम क्यों पूछ रहे मेरा तो बोलता है मैडम मैं भले रिक्शा चलाता बट आई एम कॉमर्स स्टूडेंट और हमारे टीचर ने बोला था सबकी एंट्री करने का तो यहाँ पे जब आप मुझे नाम बताओगे ना आज मैं शाम को घर में जाके आप शाम को घर में जाके आपका नाम लिखूंगा और आपके नाम के लिखूंगा इस लड़की से इतने पैसे मिले इसके में जर्नल एंट्री पास करूंगा लड़की बोलते पागल दिन में तेरे पास इतने लोग आते रहते तो सबका नाम क्यों लिख रहा है ना बस तुझे लिखना चाहिए तो बस एक काम कर आज दिन भर में अगर तूने दो हजार रुपए कमाओगे तो शाम को बुक में लिखना आज के दिन का इनकम कितना हो गया दो हजार रुपए तो सिर्फ इनकम दो हजार लिखना फिर दो हजार लिख वो फिर किससे आ रहा है नाम से क्या करना तेरे को नाम से क्या करने का बेटा मुझे होता आप लोग पानीपुरी खाने जाते हो क्या पानी पानीपुरी नाम पूछता है क्या आपका मुझे होता आप जिस ठेले से पानी पूरी खाते हो कभी आपने तो उसका नाम पूछा क्या हमेशा उसको भैयाज बोलते हो बेटा जी ऐसा बेटा तो आपको नाम से क्या लेना देना आपको लेकिन 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 मान लीजिए मान लीजिए मान लीजिए <coughs> रिक्शा वाले ने लड़की को छोड़ा और लड़की के पास पैसा नहीं है लड़की बोलते भैया बस दो मिनट रुक जाओ बस बाजू में बिल्डिंग है मैं बिल्डिंग में जाती हूं और वहां से सौ रुपए लेके आती हूं और आपको पैसा देती हूं जैसे लड़की बोलेगी भैया मैं सौ रुपए बिल्डिंग से लाके आपको देती हूं रिक्शा वाले टेंशन आएगा लड़की के पूछे मैंने आपका नाम क्या पहले बताओ लड़के नाम क्यों चाहिए तेरे को बोलता मैडम आप चले जाओगे मैं ढूंढूंगा कहां पे बिल्डिंग में मुझे पहले आपका नाम बताओ आपके फ्लैट का नंबर बताओ मुझे आपका मोबाइल नंबर बताओ पता चला पैसा दे बिना दे भागे तो कहां पे ढूंढूंगा तो बात समझना बिजनेस में बिजनेस में जब पैसा अपने पास आता है बिजनेस में जब पैसा अपने पास आता है ना हम कभी नाम नहीं पूछते नाम कब पूछना पड़ता है जब पैसा आना बाकी है या पैसा देना बाकी है <coughs> कस्टमर से पैसा मिल रहा था तो नाम नहीं पूछेगा बट जब रिक्शा वाले को कस्टमर से पैसा आना होगा तो उसका नाम पूछेगा मतलब फेर का जब पैसा मिलेगा वो नाम नहीं पूछेगा बट जब फेर का पैसा क्या होगा आउटस्टैंडिंग होगा तो उसको पता होना चाहिए किससे पैसा आउटस्टैंडिंग है उसे पता होना चाहिए यस और नो नालायक सबको झेपा क्या <coughs> उसी तरह से अगर मेरे कंपनी में चार एम्प्लॉय मान लीजिए मैं हर महीने सबकी सैलरी कर रहा हूं कोई तकलीफ की बात नहीं सिंपली सैलरी चालीस हजार लिखा तो भी चलेगा सिंपली सैलरी चालीस हजार लिखा तो भी चलेगा बट भाई साहब बट भाई साहब मान लीजिए इस महीने चार में से दो लोगों का सैलरी मैंने दिया बट दो का सैलरी नहीं दिया दो का सैलरी दिया दो का सैलरी नहीं दिया तो बीस हजार रुपए रहेगी, रहेगी तो मुझे यह पता होना चाहिए किसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है मान लो बाबूलाल की सैलरी आउटस्टैंडिंग है और मैंने बेटा पप्पू को पैसा दिया चलेगा क्या जिसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है अगली बार उसी को सैलरी देने का तो जब वेन सैलरी इज आउटस्टैंडिंग आपको नाम पता ना चाहिए किसकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है समझा क्या तो आउटस्टैंडिंग के टाइम पे आपको नाम पताना चाहिए उसके अलावा सपोज इस महीने में अगर बेटा अजूम करो पप्पू ने मेरे पास से हजार रुपए एडवांस लिया सैलरी का छे सैलरी का पर उसने एडवांस लिया तो जब मैं एडवांस दूंगा मुझे पता होना चाहिए मैंने एडवांस किसको दिया यहां पे नाम पता होना चाहिए तो जब भी आपको कुछ पैसा देना बाकी होगा आउटस्टैंडिंग होगा या फिर कुछ पैसा आपने एडवांस में दिया होगा प्रीपेड किया होगा तब किसको दिया है उसका नाम पता होना चाहिए तो आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड और एडवांस के केस में हमें नाम पटाना चाहिए और जहां पे नाम होता है वो हमारा कौन होता है पर्सनल अकाउंट वो हमारा कौन है पर्सनल अकाउंट अरे झेपा क्या नालायक तो सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट बट आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ पर्सनल अकाउंट सैलरी जब देते हैं तो नाम की जरूरत तो नहीं पड़ते बट जब सैलरी का जब पैसा आउटस्टैंडिंग होगा जब सैलरी का एडवांस देंगे तो हमें नाम पता ना चाहिए तो आउटस्टैंडिंग सैलरी इज आवर पर्सनल अकाउंट यस और नो अब जरा पर्सनल अकाउंट में आते हैं अब मैं बात करता हूं आउटस्टैंडिंग सैलरी की अब ये तो क्लियर है राज सर ने आपको बोला कि भाई साहब आउटस्टैंडिंग सैलरी राज सर ने बोला कि भाई साहब आउटस्टैंडिंग सैलरी ओके आउटस्टैंडिंग सैलरी ये पर्सनल अकाउंट है बट पर्सनल में अगेन तीन पार्ट है नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट अब आउटस्टैंडिंग सैलरी कहां पे जाएगा अब प्लीज समझना प्लीज समझना एक बड़ी सी कंपनी मान लो टाटा कंपनी बच्चों टाटा कंपनी के पास एक लाख एम्प्लॉयज है एक लाख एम्प्लॉयज है टाटा कंपनी इस इस महीने एक लाख में से सत्तर हजार एम्प्लॉय को सैलरी पे किए तीस हजार एम्प्लॉय को सैलरी देना बाकी है आउटस्टैंडिंग है थर्टी एम्प्लॉय की सैलरी आउटस्टैंडिंग है टा कंपनी का जो अकाउंटेंट है उसको भली बात ही पता है आउटस्टैंडिंग सैलरी पर्सनल अकाउंट ओके तो उसको पता है जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है उनका नाम लिखना चाहिए ओके okay. तो क्या करता है है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में वो लिखता है, राम सैलरी आउटस्टैंडिंग वन थाउजेंड श्याम सैलरी आउटस्टैंडिंग वन थाउजेंड गीता सैलरी आउटस्टैंडिंग वन थाउजेंड सीता सैलरी आउटस्टैंडिंग और इसे बड़ा सा मतलब

तो रंजू उसको बोलते गधे नालाय मैं मानता आउटस्टैंडिंग के टाइम पे अपने को नाम पता ना चाहिए लेकिन तू तो सबके 30,000 हजार एम्प्लॉय की अगर 30,000 एंट्री पास करेगा तो कैसे चलेगा तू तो एक काम करना अरे इसको भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसको भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है उसको भी सैलरी आउटस्टैंडिंग है सबकी सैलरी का आउटस्टैंडिंग है तो सबके बिहार पे एक ही एंट्री पास कर एज अ आउटस्टैंडिंग सैलरी तू यहां पे राम सीता गीता इन सबका नाम लिखने के बोले सबका एक ही कॉमन लाइन नाम लिख क्या आउटस्टैंडिंग सैलरी और तुझे अगर ये चाहिए नाम किसका सैलरी पेंडिंग है तो उसका एक अलग से तू तू एक्सेल शीट बनाना लेकिन जर्नल को क्यों बिगाड़ रहा है तू ये जर्नल क्यों बिगाड़ रहा है जर्नल में तीस हार एंट्री किसने पास कर किए थे समझा गया तेरे को तो क्या बोलते कि तीस आर एंट्री पास करने बोले इन सबके बिहार एक ही अकाउंट शो करो दैट इज कॉल्ड एज आउटस्टैंडिंग सैलरी तो अब नालायक मुझे बताइए अब नालायक मुझे बताइए ये आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमने किसके लिए बनाया राम के लिए बनाया श्याम के लिए बनाया सीता के लिए बनाए गीता के लिए बनाए ये सबके बिहार पे जो सबके बिहा पे बनाते उसे हम बोलते रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट जो अकाउंट सभी पर्सन के बिहाब पे बनता है कॉल्ड एज रिप्रेजेंटेटेड पर्सनल अकाउंट यस और नो बेटा जी तो आउटस्टैंडिंग सैलरी या प्रीपेड सैलरी या एडवांस सैलरी आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एडवांस ये सारी बातें हम सबके बिहाफ पे लिखते हैं जो सबके बिहा लॉजिक क्लियर है क्या तो मार के नहीं पढ़ने का समझ के पढ़ने का सबको जीप रहा है चलो दोबारा रिवाइज करते तो बेटा जी मुझे बताइए बेटा जी मुझे बताइए एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच बेटा जी मुझे बताइए एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच अकाउंट्स के टाइप कितने होते हैं बोलिए है? सत्तीन बोले कौन कौन से पर्सनल अकाउंट रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पहला कौन है बच्चा लोग पर्सनल अकाउंट है, ओके पर्सनल अकाउंट का टाइप कितने होते हैं तीन कौन से होते हैं नेचुरल पर्सन अकाउंट आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कौन से बच्चे होते हैं नेचुरल आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव राम अकाउंट क्या है नेचुरल श्याम अकाउंट क्या है नेचुरल आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट

उ इट इज ऑल अबाउट द डिस्कशन अबाउट द ट्रेडिशनल अप्रोच कल हम चर्चा करेंगे अबाउट मॉडर्न अप्रोच के बारे में मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट के टाइप क्या क्या पढ़ेंगे और फिर में बताऊंगा ट्रेडिशनल अप्रोच में और मॉडर्न अप्रोच में डेबिट के रूल्स क्या होते हैं क्रेडिट के रूल क्या होते हैं और इसके हिसाब से एंट्री कैसे करते ये सारा बेसिक डिस्कशन कल करेंगे यस yes? आय हो बेटा जी आपने इलेवन 12 में ये सब बेसिक आपने पढ़ा है पर एक बेसिक को पढ़ने का एक अलग बड़ा नजर मिला होगा बेटा हो बेटा जी ओके एक बेटा अलग वेसे पढ़ रहे बेटा जी और इसको और मस्त वे से पढ़ेंगे मजा आएगा बेटा तो पहले बेसिक परफेक्ट करके चलते फिर उसके बाद में हम लोग बेटा जी अकाउंट में आग लगा देंगे हम लोग यस चलेगा डन चलिए चलिए चले चलिए चलिए अखिल मेरे भाई बेटा आज ग्रुप पे आएगा डोंट वरी अखिल मेरे भाई आज बेटा ग्रुप पे आ जाएगा बेटा डोंट वरी ओके डोंट वरी बेटा जी और बेटा आपको जो रिमेनिंग मैराथन है बेटा जी कल मैं आपका मैराथन भी अखिल डोंट वरी यस 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 चलिए 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 टटा बाबा टा बाय चले, 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 चले। बेटा जी तो आज के यही पर रुकते टाटा बाय बाय टाटा बाय आज बड़ा मजा आएगा तो एक लाइक ठोको बस मजा बेटा होगा तो एक लाइक ठोकिए यस ओके बाकी पार्ट हम लोग कल पढ़ेंगे टाटा बाय बाय